बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में हम आपको जानकारी देंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चलेंगी तेज़ हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, कहां कोहरा छाएगा, कहां चलेंगी शीतलहर और इसके अलावा कहां पड़ सकता है पाला। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कब तक ठंड से राहत मिल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में हर किसी की मौसम विभाग पर नज़र है कि जानकारी मिले कि इस कड़ाके की ठंड से कब राहत मिलेगी। और इस पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक एम महापात्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है मौसम खबर में आपका। और इस वक्त जो भी उत्तर भारत के वासी हैं, सभी का सवाल यही है जो मेरा सवाल है कि इस ठंड से कब राहत मिलेगी। स्कूलों की छुट्टियां हो गई, स्कूलों के समय बदल दिए गए, ट्रेनें लेट चल रही हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, ये जो माहौल है, जो कोहरा है, जो ठंडक है, कब तक इसमें राहत मिलने की उम्मीद है? जनवरी महीना जो होता है ये हमारे देश में स्पेशली जो उत्तर भारत होते हैं इसके लिए कोल्डेस्ट मंथ होता है। और टेम्परेचर अभी जो चल रहा है दिल्ली में, फॉर एग्जांपल 6 डिग्री के आसपास चल रहा है रात का न्यूनतम तापमान जी। और ऐसे ही कंडीशन है पूरा उत्तर भारत का आप देखेंगे। कुछ इलाके में कोल्ड वेव कंडीशन चल रहा है, मैंने यानी टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल है। और दिन की बात करें तो दिन का तापमान लगभग पास्ट 2 वीक्स नॉर्मल से नीचे चल रहा है, लगभग 4 से 6 डिग्री सेल्सियस कहीं कहीं। इसलिए कोल्ड डे कंडीशन ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं कंपेयर टू कोल्ड वेव कंडीशंस। यानी रात का तापमान सामान्य से कभी नीचे और सामान्य के आसपास रहते हैं, मगर दिन का तापमान सामान्य से नीचे कंटिन्यूसली पास्ट 2 वीक्स है। इसीलिए हम सब जैसे दिन में हम ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, हम लोग को ज़्यादा ठंड लग रहा है। और कोहरा की बात करें, कोहरा भी कंटिन्यूसली पास्ट 10 to 15 डेज हम देख रहे हैं, मगर कोहरा सिर्फ मिडनाइट के बाद शुरू हो रहा है, माने जो वेरी डेंस फॉग होता है, और सुबह 9:30-10 o'clock तक कंटिन्यू कर रहा है। इसके बाद कोहरा धीरे धीरे कम हो रहा है और सनलाइट भी आ रहे हैं। और ये कोहरा की वजह से जो विजिबिलिटी है, माने हॉरिजॉन्टली आप कितना दूर देख पाएंगे कहाँ बैठ के, इसको हम विजिबिलिटी बोलते हैं, वो विजिबिलिटी कम होते हुए सुबह के टाइम अराउंड 5:30 or 6 जीरो हो जाता है। और जब विजिबिलिटी कम हो जाता है, हमारा जो ट्रेन चलता है उसमें स्पीड कम हो जाता है क्योंकि दिखाई नहीं देता है रेलवे लाइन्स। और इसके साथ साथ जो सरफेस ट्रांसपोर्ट जैसे व्हीकल्स वगैरह चलते हैं नेशनल हाईवे की स्टेट हाईवे में कोई भी रास्ता में, उन लोगों का भी परेशानियां होता है और स्पीड कम करना पड़ता है। स्पीड कम नहीं करने से एक्सीडेंट्स भी बहुत होता है जी जी। और एयर ट्रैफिक की बात करें, जो कोई भी एयरक्राफ्ट जब फ्लाई करता है उनके लिए अच्छा विजिबिलिटी चाहिए लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ के लिए। जहाँ इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग फैसिलिटी है, विजिबिलिटी इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए मेजर किया जाता है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, लगभग सभी एयरपोर्ट में ऐसे भी इंफॉर्मेशन को दिया जाता है। जैसे पर दिल्ली की बात करें तो आप कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जो कि लोएस्ट विजिबिलिटी के साथ जैसे 300 मीटर से कम विजिबिलिटी होते हैं होते हुए भी वो लैंडिंग कर सकते हैं, टेकअप कर सकते हैं। मगर ऐसे कुछ एयरक्राफ्ट होते हैं जिसके पास कंप्लीट इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम ऐसे नहीं होता है जो कि लो विजिबिलिटी में लैंडिंग कर सके, उनके लिए ज़्यादा परेशानी हो जाता है जी। और जब ऐसे सिचुएशन कंटिन्यूसली प्रिवेल कर रहा है इसका पूर्वानुमान भी हम लोग दे रहे हैं जी। और इसको देखते हुए फ्लाइट प्लानिंग भी किया जाता है। फिर भी जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी फ्लाइट में यातायात कर रहे हैं, ट्रेन में यातायात कर रहे हैं, और थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन होने से कंजेशन बढ़ जाता है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है।
बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी प्रभावित हो रही है, कई बार शून्य विजिबिलिटी होती है जिसके चलते चाहे वो रेल हो या फिर हवाई यातायात है उसके परिचालन में काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। अब अगला सवाल ये है कि इस स्थिति से पहले तो हम कोहरे की बात कर लेते हैं कि कोहरे से हमें कब तक राहत मिल सकेगी, क्योंकि बहुत अब लॉन्ग वीकेंड्स हैं और लोग बाहर आना जाना भी चाहते हैं, तो मौसम विभाग पर नज़र रहती है कि पता चले कब हालात बेहतर होंगे। ट्रेन और ट्रेनें भी कैंसिल हो रही हैं, हवाई यातायात भी हम देख रहे हैं प्रभावित हो रहे हैं, तो कोहरे पर हम पहले बात करते हैं कि कोहरे वाली स्थिति कब तक छटेगी। कोहरे जैसे मैं बोल रहा था कि कंटिन्यू कर रहा है पास्ट 10 to 15 days, वो यूजुअली पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और कभी कभी तो ये बांग्लादेश तक चला जाता है, और इसमें सभी को परेशानियाँ होता है, ना सिर्फ ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक, रेलवे ट्रैफिक और रोड ट्रैफिक को, मगर जिसका कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होता है जैसे रेस्पिरेशन रिलेटेड कुछ जिसका प्रॉब्लम होता है उनको भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि लोअर लेवल मॉइस्चर बढ़ जाता है और इसके साथ साथ पोल्यूटेंट्स जो है ना वो ट्रैप होकर रह जाते हैं लोअर लेवल पे, इसलिए हेल्थ रिलेटेड इशूज़ भी आ जाते हैं। ये सभी को देखते हुए हम इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट करते हैं कोहरे का। पहले तो हम 5 दिन पहले आइडेंटिफाई कर देते हैं कौन से एरिया में कोहरा होने वाला है, स्पेशली मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स हो गया, फिर धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा कौन डिस्ट्रिक्ट में से होने वाला है और कैसे विजिबिलिटी रहेगा और एक्शन क्या क्या लेना चाहिए वो सभी जानकारी देते हैं। जो डे ऑफ अकरेंस कोहरा हो जाते हैं तब तो हम कंटिन्यूसली हर 3 घंटे इसका नाउकास्ट भी करते हैं, लोगों को बताते हैं क्या हो सकता है और क्या एक्शन लेना चाहिए। ये हो गया जनरल पब्लिक के लिए, मगर स्पेसिफिकली रेलवेज के लिए हम भी फोरकास्ट जारी करते हैं। इंडियन रेलवेज का सभी डिविजन्स को हमारा फोरकास्ट जारी होता है। सिमिलरली एयरपोर्ट के लिए ईच एंड एवरी एयरपोर्ट को हम फोरकास्ट देते हैं, ईच एंड एवरी एयरक्राफ्ट को भी फोरकास्ट देते हैं, एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स को फोरकास्ट देते हैं, और ये फोरकास्ट डिफरेंट तरीके में जाता है। स्पेशली कोई इंटरनेशनल फ्लाइट जब आ रहे हैं उनको हम 30 घंटे का फोरकास्ट देते हैं, तो कोई नेशनल फ्लाइट है तो उसको 9 आवर्स का फोरकास्ट जाते हैं, हर 6 घंटे में एक बार 5:30 बजे से शुरू करके राउंड द क्लॉक हम 30 घंटे का फोरकास्ट जारी करते हैं। कोडेड मैसेज होता है वो सभी को दिया जाता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन के जरिए एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया का सभी कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम पे और हमारा चैनल के माध्यम पे सभी को, सभी एयरलाइंस को, सभी एयरपोर्टर्स को दिया जाता है। और इसके बाद 9 आवर फोरकास्ट अल्टरनेट 3 आवर्स में उनको भी 9 आवरली टर्मिनल एरोड्रोम फोरकास्ट दिया जाता है फॉर ईच एरोड्रोम। फिर जो एरोड्रोम में बहुत सारे एक्टिविटी होता है इसके लिए भी हम फोरकास्ट देते हैं, इसको हम बोलते हैं एरिया फोरकास्ट, माने जो बड़ा एरिया के लेकर 75 किलोमीटर से अराउंड को फोरकास्ट होता है, देन और लोकल फोरकास्ट स्पेसिफिक एरोड्रोम के लिए कि लोकल फोरकास्ट भी जारी होता है, वो हर दिन इशू होता है फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स इशू करते हैं, और हर आधा घंटे में हम फोरकास्ट देते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड फोरकास्ट, अगले 2 घंटे में क्या होने वाला है, इसमें विजिबिलिटी बढ़ेगा कम होगा कि सेम रहेगा, ये सभी का पूर्वानुमान दिया जाता है। इसको लेकर अगर 2 घंटे के अंदर कोई फ्लाइट आ रहे हैं कि जा रहे हैं इसका प्लानिंग होता है, और एक डाइवर्सन करना पड़ेगा कि आसान से पहुंच पाएंगे, ये सब जानकारी मिलता है। इसके साथ साथ दिल्ली एयरपोर्ट और जितना नॉर्थ इंडिया एयरपोर्ट है इसके लिए हम एक स्पेशल फोरकास्ट हर दिन शाम को इशू करते हैं, हर 6 घंटे लेमन लैंग्वेज में, पब्लिक लैंग्वेज में सभी को दिया जाता है कि कैसे ये फॉग से हम बचाए करें और हमारा जो ऑपरेशन है एयरक्राफ्ट ऑपरेशन इसको अच्छा से मैनेज कर। बिल्कुल सर, ये तो बात हुई कि किस तरीके से फोरकास्ट किया जा रहा है कोहरे को लेकर, लेकिन अगर हम ठंड की बात करें, हम सभी ठंड से काफ़ी परेशान हैं, खासतौर पर उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ की हम बात करें, पाले जैसी स्थिति है सर, तापमान का नीचे जाना और ठंड को महसूस करना, हम ये देखते हैं कि ये भी अलग अलग थोड़े से डायनेमिक्स हैं, तो ये ठंडक कब से कम होगी, तापमान की बात नहीं करते, ठंडक कब से कम होगी? पहले मैं कोहरे के बारे में और एक बता दूं, ये जो अभी वेरी डेंस फॉग कंडीशन चल रहा है एंटायर इंडोगेंज प्लेन्स में, इसमें थोड़ा सुधार आएगा, 2 दिन तक ऐसे वेरी डेंस फॉग रहेगा, इसके बाद फॉग का डेंसिटी कम होगा और विजिबिलिटी भी धीरे धीरे इम्प्रूव करने का है। सो नेक्स्ट 2 डेज के लिए हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं पंजाब हरियाणा के लिए, और रिमेनिंग इंडोगेंज प्लेन्स के लिए हम ऑरेंज कलर वार्निंग दिए हैं, 2 दिन बाद हम हमारा वार्निंग को रिड्यूस कर रहे हैं धीरे धीरे।
ठंड की बात करें, जैसे आपने बताया कि ये जो ठंड ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब यही है कि जो डे टेम्परेचर है वो सामान्य से 4 से 6 डिग्री नीचे है, इसके लिए हमको ठंड ज़्यादा महसूस हो रहा है, वो कोल्ड डे कंडीशन में प्रिवेल कर रहा है। रात में ठंड होता है कि विंटर सीजन है, इसके साथ साथ दिन में भी आपका सनशाइन ठीक से न आए और टेम्परेचर नॉर्मल से काफ़ी कम रहे तो हमको ठंड महसूस होता है। जैसे ठंड जो अभी चल रहा है ये भी अगले 3 दिन तक रहेगा, 4 से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिन में जो बिलो नॉर्मल है ऐसे रहेगा, और कहीं कहीं जो कोल्ड कंडीशन रात का है वो भी रहेगा। सोमवार से धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने का संभावना है, टेम्पोरली फिर इंक्रीज होगा, फिर इसके बाद क्योंकि जनवरी महीना है जब आपका कोल्डेस्ट पीरियड महसूस किया जाता है, इसलिए ये अंत नहीं है, इसके बाद फिर स्पेल आएगा। और अभी जो स्पेल चल रहा है वो 3 दिन बाद इसमें सुधार आने का हम अनुमान किए हैं। अगला सवाल मेरा कोहरे से लेकर है कि आने वाले दिनों में कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ पर कोहरा और डेंस हो सकता है, क्या ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्र रहेंगे या फिर अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी स्थिति बन सकती है? नहीं, अगले 2 दिन के लिए एंटायर नॉर्थ इंडियन प्लेन, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, एडजनिंग एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, नॉर्थ छत्तीसगढ़, नॉर्थ उड़ीसा, झारखंड, बिहार और इवन सम पार्ट्स ऑफ आसाम, इसमें घने कोहरा रहने का संभावना है अगले 2 दिन के लिए। इसके बाद धीरे धीरे कोहरा थोड़ा कम होने का संभावना है और पंजाब हरियाणा में कोहरा तो रहेगा ही, मगर उत्तर प्रदेश वगैरह में थोड़ी से कम होगा, मगर वहाँ भी कोहरा जारी रहेगा, मगर जो इंटेंसिटी के हिसाब से जब आप देख रहे हैं इसमें थोड़ी कम होगा 2 दिन के बाद। कोहरे के बारे में बात की, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आने वाले 3-4 दिनों में कोहरे से थोड़ी राहत हमें मिलेगी। अब हम बारिश की बात करते हैं। सर, हम ये भी देखते आए हैं कि जनवरी महीने का जो अंतिम सप्ताह होता है आमतौर पर उसमें बारिश होती है 26 जनवरी के आसपास, इस बार की स्थिति क्या रहने वाली है? अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 25 तारीख को 26 तारीख को अप्रोच कर रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसकी वजह से हमने बोला कि टेम्परेचर राइज होगा आफ्टर 3 दिन बाद उस हद तक, मगर इसका जो प्रभाव रहेगा ये सीमित रहेगा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊपर जहाँ तक, वहाँ हम स्नोफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैदानी इलाका में इसके प्रभाव में कोई बारिश होने का संभावना नहीं है। इसलिए जो हमारे रिपब्लिक डे है उसमें दिल्ली में उस टाइम कोई बारिश होने का संभावना नहीं है और कोहरा अभी जैसे चल रहा है यहाँ से कम रहने का उम्मीद किया जा रहा है। मगर मैं आपको बोल के रखूँ कि दिसंबर महीना में भी वेरी स्कैंटी स्नोफॉल हुआ था हमारे वेस्टर्न हिमालय रीजन पे, और जनवरी महीने में भी अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए बहुत प्रतीक्षित है, ये प्रतीक्षित है कि ऐसे कुछ बराबरी आए, मगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड में कुछ लिमिट रहेगा, प्लेन एरिया में कोई ऐसे बारिश होने का संभावना नहीं है। आप ये जो कारण पूछ सकते किस लिए ऐसे हुआ, इसके कारण यही रहा कि दिसंबर और जनवरी महीने में ऐसे कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया नहीं जिसकी वजह से हमारे पास बारिश हो। ये जो एरिया है इसमें यूजुअली बारिश होता है जब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको प्रभावित करता है। सिर्फ 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, एक डिस्टर्बेंस आपको पता है 8 और 9 तारीख जनवरी में आया जिसमें सेंट्रल इंडिया और एडजनिंग प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में थोड़ी बारिश हुआ, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में और नॉर्थ महाराष्ट्र में हल्का की बारिश रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले दिसंबर में एक अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था जिसमें प्लेन्स में भी अच्छा बारिश दिया था, मगर हिल एरिया में कुछ बारिश दिया ही नहीं। इसलिए जो वेस्टर्न हिमालय रीजन है वो कंटिन्यूसली वेरी स्कैंटी स्नोफॉल एक्टिविटी साथ डेफिशिएंट लेवल पे चल रहा है अभी तक, और इसको आप कंपेयर करें ओवर द पीरियड्स दिसंबर टू फेब्रवरी जो पीरियड होता है जो बारिश होता है, ये हमारा पूर्वानुमान भी हम जारी किए हैं, पुराण के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर एडजनिंग एरिया में हम डेफिशिएंट रेनफॉल को पूर्वानुमान किए हैं और जो ट्रेंड दिखाई दिया, आप 1990 से आप आंकड़ा लेंगे कितना टोटल प्रेसिपिटेशन होता है इस एरिया में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में, ये दिखाया गया कि एक डिक्रीजिंग ट्रेंड है। जब प्रेसिपिटेशन में डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है इसका मतलब होता है कि बहुत सारे सालों में आपको रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल नॉर्मल से कम होने का संभावना है, और इस बार भी ऐसे ही हो रहा है कि अभी तक स्नोफॉल नॉर्मल जितना होता है इससे काफ़ी हद तक कम है। बिल्कुल सर, स्नोफॉल की बात कर लेते हैं, बर्फबारी की, तो पहाड़ों में लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं
और जो बर्फबारी देखने के शौकीन होते हैं, जो हमारे सैलानी हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या इस बार, क्योंकि अब तो जनवरी भी ख़त्म होने को आया, क्या अभी भी उस तरह की हम स्नोफॉल की उम्मीद कर सकते हैं, बर्फबारी की उम्मीद कर सकते हैं? जैसे आपने बताया, सिर्फ लास्ट वीक 25 से शुरू करके उसी पीरियड में कुछ बर्फबारी की हम आशा रख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर और एडजेंट एरिया हिमाचल प्रदेश वगैरह में। यदि इससे पहले ऐसे कोई बर्फबारी होने का संभावना नहीं है। सर, बात कर लेते हैं शीतलहर की, कोल्ड वेव्स की, और हमने देखा भी कि काफ़ी जगहों पर कोल्ड वेव्स चल रही हैं। क्या अभी भी ये सिलसिला जारी रहेगा या इसमें भी कुछ राहत मिलेगी? और अगर कोल्ड वेव्स अभी भी रहेंगी तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इसके प्रभाव में रहेंगे? अगले 3 दिन के लिए कोल्ड डे कंडीशन से ज़्यादातर हिस्सा में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। यानी नेक्स्ट 3 डेज के लिए दोनों कोल्ड वेव और कोल्ड डे कंडीशन जारी है, इसलिए ज़्यादा ठंड का महसूस हो रहा है। बिल्कुल सर, जैसे डेंस फॉग भी है, आपने भी बताया कि अभी भी स्थिति रहेगी कुछ क्षेत्रों में, एक ठंडक भी महसूस होगी। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर बर्फबारी की भी उम्मीद कर रहे हैं साल के इस महीने के अंत तक। तो ऐसे में हमारे किसान, आम नागरिक, क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें इस मौसम की जो स्थिति है उसको देखते हुए? हम यही सलाह देंगे कि हम अपना यत्न लेना चाहिए, हम हमारे बॉडी को कवर करके रखना चाहिए, और जैसे कि ठंड के जरिए हमारा कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, और उष्ण पानी माने लिक्विड वाटर पीना चाहिए, गर्म पानी के साथ गर्म खाद भी लेना चाहिए। इसके साथ साथ बाहर इतना घूमना नहीं चाहिए ठंड के अंदर जी जी। और जो हमारा जो फसल है जो ठंड से प्रभावित हो सकते हैं, इसके लिए भी कदम लेना चाहिए। और जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं उनका भी हम लोग केयर लेना चाहिए, जैसे वो कोल्ड से प्रभावित ना हो। बिल्कुल सर, तो ये सलाह थी आम नागरिकों के लिए, किसानों के लिए, वो लोग जो घूमने के शौकीन हैं उन्हें भी सलाह दी जा रही है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में आप बाहर ना निकले, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने आप को पूरा ढक कर रखें। हमारे पशुपालक अपने पशुओं के आहार आवास का ध्यान रखें, और किसान अपने फसलों में जो कृषि वैज्ञानिक हैं ऐसे ठंड की स्थिति में जो वैज्ञानिक सलाह है उसका पालन ज़रूर करें। सर, समय निकालने के लिए और दूरदर्शन किसान से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मौसम खबर में आइए बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारे किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में जो उगाई जाने वाली फसलें हैं ऐसे में वैज्ञानिक सलाह से कैसे अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए बुआई से लेकर कटाई तक हर एक चरण में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं आज क्या है विशेष खेती किसानी में। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान रबी प्याज की रुपाई कर ले। अभी का समय उत्तर प्रदेश में ऑयस्टर मशरूम के लिए बेहद उपयुक्त है। किसान भाई मशरूम उत्पादन कर अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्मकालीन टमाटर की फसल की रुपाई की जा सकती है। साथ ही गोभी वर्गीय सब्जियों में अभी के समय हल्की सिंचाई कर सकते हैं। खेतों में लगे टमाटर और मिर्च की फसल की देखभाल करें। किसी भी प्रकार के रोग दिखाई देने पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही चने की फसल सुरक्षा के लिए खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ के किसान 30 से 35 दिन पहले बोए आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। इस कार्य को 15 दिन पर दोहराएं ताकि फसल अच्छी प्राप्त हो सके। बात करें राजस्थान की तो यहाँ के किसान समय पर बोई गई गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद दूसरी सिंचाई करें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की फसल को पाले और ठंड से बचाने के लिए सरसों की फसल में बार बार हल्की सिंचाई करें। राजस्थान के किसान चने की फसल में बुवाई के 50 से 55 दिन बाद सिंचाई करें। साथ ही पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। वहीं जौ के समय पर बोई गई फसल में दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद करना बेहद लाभदायक है। इसके अलावा राजस्थान के किसान गन्ने की परिपक्व फसल की कटाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम एवं मध्य भारत के कई राज्यों
जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर शीतलहर जारी रहने की संभावना है। इसके साथ उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर पाला पड़ने की संभावना भी बनी हुई है। इसको देखते हुए गेहूं, आलू, मटर और फूल गोभी इत्यादि फसलों और बागवानी फसलों में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ साथ केले के गुच्छों को पॉलीथीन या सूती कपड़ों से ढकना ना भूलें। ठंड से बचाव हेतु फसलों में मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। राजस्थान में सरसों की फसल में 0.1% सल्फ्यूरिक एसिड के घोल का छिड़काव भी किया जा सकता है। किन्नू के छोटे पौधों को पॉलीथीन एवं पुआल से भी ढक सकते हैं। पंजाब में नर्सरी के जो नए पौधे हैं उनको ढक दें तथा उनमें हल्की सिंचाई प्रदान कर सकते हैं। छोटे पौधों को घास और पुआल से ढककर तापमान में गिरावट से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। आलू में हल्की सिंचाई भी दे सकते हैं। हरियाणा में गेहूं, सरसों, चना, जौ इत्यादि फसलों को ठंड से बचाव हेतु हल्की सिंचाई दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सब्जियों में शाम के समय हल्की सिंचाई दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त उनकी कतारों में घास द्वारा मल्चिंग भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत के कुछ राज्यों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की स्थिति भी बनी रहेगी। इस प्रकार के मौसम में अनेक प्रकार के कीट एवं रोगों की संभावना बढ़ जाती है। अतः किसान भाइयों से अनुरोध है कि खड़ी फसलों की निगरानी करते रहें। झुलसा रोग की संभावना को देखते हुए आलू, टमाटर और प्याज इत्यादि में निगरानी नियमित रूप से करें और जहां पर भी लक्षण दिखाई दें कृषि मौसम वैज्ञानिकों की सलाह से उचित पौध संरक्षण उपाय करें। जम्मू कश्मीर में गेहूं, मटर तथा सरसों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई प्रदान कर सकते हैं। आलू की कटाई के कार्य भी जारी रखा जा सकता है। प्याज एवं लहसुन जैसी फसलों में निराई एवं गुड़ाई के कार्य भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में इस समय की मौसम की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 55 से 60 दिन पहले बोई गई सरसों की फसल में सिंचाई प्रदान करें। चने की फसल अगर फूल आने की अवस्था में हो गई हो तो सिंचाई स्थगित कर दें। मटर, आलू, लहसुन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली इत्यादि फसलों में समय पर सिंचाई देते रहें। आइए हम नजर डालते हैं आज की फसल पर, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे धनिया के बारे में। अगर आप धनिया की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उचित समय है। धनिया का इस्तेमाल हम दो तरह से करते हैं। हरी धनिया का इस्तेमाल जहां हम सब्जी में करते हैं, इसकी खुशबू को काफ़ी पसंद किया जाता है, वहीं इसके दानों को हम मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी धनिया की फसल लेना चाहते हैं तो आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें, साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। एक माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग, चुर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए।
एक हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो ये था हमारा आज का मौसम खबर। चलते चलते जानकारी दे दें आपको कि हमारे कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और मौसम खबर देखें हमारे YouTube चैनल पर भी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।